हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज 13 मार्च, आज का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप हमारे चैनल का नाम सर्च करके हमें इजिली ज्वाइन कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना, विच स्टेट हैज इंक्रीज्ड इट्स रिजर्वेशन कोटा ऑफ ओबीसीज टू 27% फ्रॉम 14%। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, Who was named for the Chameli Devi Jain Award for Outstanding Woman Journalist for the year 2018? तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे स्टैटिक पोर्शन के, जिनके आंसर्स आप लोगों ने मुझे बताने, एंड जो कल क्वेश्चंस पूछे थे उनके भी आंसर्स एट द एंड आपको मिल जाएंगे। ओके एंड देखो, ये रेलवे ग्रुप डी का जो मैंने मटेरियल शेयर किया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने परचेज किया। एंड अब आप सबको, आई होप सबको पता चल गया होगा, जो रेलवे की इतनी ह्यूज वैकेंसी निकली है, अराउंड 1 लाख प्लस वैकेंसीज निकली है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी उसे अप्लाई करो, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। एंड जो ये स्टडी मटेरियल है इसका ज़रूर फायदा उठाएं। इसके बारे में एट दी एंड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस बुक के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2014 टू 2018? ठीक है, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स बाय स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि 2014 से लेकर 2018 तक सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री ने वेपन्स को इंपोर्ट किया, यानी कि बाहर से दूसरी जगह से अपने देशों में सबसे ज्यादा वेपन्स लाए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी, सऊदी अरेबिया। लगातार 8 साल से हमारा इंडिया ही था जो सबसे ज़्यादा हम वेपन्स इंपोर्ट कर रहे थे, यानी कि बाहर दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करके अपने देश में ला रहे थे, बट अब सऊदी अरेबिया ने हमें ओवरटेक कर लिया। एंड इस रिपोर्ट है 2014 से लेकर 2018 में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा जी वेपन्स के केस में, सऊदी अरेबिया। ओके, देन अब हमारा इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया। ओके, सऊदी अरेबिया आया। एंड देखो, अब ये तो इंपोर्ट की बात है, एक्सपोर्ट की बात भी होगी। ठीक है, एक्सपोर्ट करने में कौन सा देश सबसे टॉप पे रहा? देखो, एक्सपोर्ट करने में सबसे टॉप पे रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएस सबसे ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट करता है टू अदर कंट्रीज। वैसे इन अदर वर्ड्स कहा जाए, अगर किसी भी कंट्री में वॉर होती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट भी, फाइनेंशियली बेनिफिट भी यूएस को ही होगा, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा वेपन्स उनसे खरीदे जाएंगे। अराउंड 70% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट जितना होता है वेपन्स का, 75% यूएस की कंट्री से ही होता है। ओके, तो ये भी जरूर याद रखना, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर की कंट्री से सऊदी अरेबिया लेता है, एंड बाहर सप्लाई सबसे ज्यादा करता है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, फॉलोड बाय रशिया एंड देन फ्रांस। ठीक है, फर्स्ट टू आप याद रख लो, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। ओके, एंड आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। एंड अबाउट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, वहाँ की जो कैपिटल है रियाद, वहाँ की जो करेंसी है सऊदी रियाल, एंड वहाँ के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब करते हैं सेकेंड वन। रिसेंटली इरोड टर्मरिक चीना नदान गेट्स GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन विच इंडियन स्टेट? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, दैट मीन्स किसी चीज़ की, किसी एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये टर्मरिक हल्दी जिसे हम कहते हैं, तो इसे अभी GI टैग मिल गया। 8 साल से एप्लीकेशन चल रहा था, फाइनली इसे मिल गया GI टैग, तो कौन सी स्टेट की है जी? ये है जी तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है इसमें से आपको बेसिक सिंपल जो पता होनी चाहिए, कैपिटल चेन्नई, वहाँ के CM इडापाडी के पलनीस्वामी, एंड वहाँ के जो गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। ओके, अभी अभी कुछ 2 दिन पहले आपको बताया था, आई होप सबको याद होगा, जैगरी जिसको हम गुड़ बोलते हैं ऑफ केरला, जिसे GI टैग दिया गया था। एंड उसके बाद अल्फोंसो मैंगो ऑफ महाराष्ट्र, उसे भी GI टैग दिया गया। कांदामल हल्दी ऑफ उड़ीसा, उसे भी मे बी GI टैग मिल जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरा लीची ऑफ मुजफ्फरापुर फ्रॉम बिहार, उसे भी GI टैग दिया गया था हाल ही में। सिलाओ खाजा ऑफ बिहार, उसे भी GI टैग दिया गया। ठीक है, इस तरह से थोड़ी चीज़ें भी हम रिवाइज, जैसे कोई चीज़ आए तो उसको रिवाइज करेंगे, तो तभी वो चीज़ें हमारे साथ ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर है, तमिलनाडु। ओके, एंड एक और चीज़ देखो, आपको आज की वीडियो का भी हम लाइक टारगेट सेट करेंगे 1000 लाइक्स। ठीक है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है देन श्योरली इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, एंड इसे ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स होंगे आपके व्हाट्सएप पे, आप उसे ज़्यादा से लोगों से शेयर भी करेंगे। एंड आज की भी वीडियो का टारगेट है जी 1000 लाइक्स। ठीक है, तो इसे लाइक जरूर करेंगे एंड शेयर जरूर कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 11 मार्च 2019 फॉर्मड 3 मेंबर कमेटी टू असेस द सिचुएशन ऑफ
ऑन द ग्राउंड ऑफ विच डेट, ठीक है। अब आपको पता ही होगा जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं 7 फेसेस में होंगे जो 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अभी एक स्पेशल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई, अभी जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं, ठीक है, सीएम्स के लिए। तो अब उसकी एक ग्राउंड सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, देन उसके बाद डेट्स डिक्लेयर होंगी। तो ये आपको बताने कि कौन से स्टेट के लिए ये स्पेशल कमेटी बनाएगी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है जी हमारा अपना जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, नूर मोहम्मद एंड विनोद जोशी, ये जी आईएएस रिटायर्ड है, एंड उसके बाद एएस गिल, ये आईपीएस ऑफिसर है, ओके। एंड ये जम्मू एंड कश्मीर में, एंड ये चीज़ तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा अब, ठीक है, बता दूंगा स्टिल। एंड इलेक्शन कमीशन राइट नाउ हमारे इलेक्शन कमीशन जो इंडिया के हमारे में सुनील अरोरा, ओके, 23rd इलेक्शन कमिश्नर है। एंड इससे पहले थे जो 22nd थे वो थे ओपी रावत, ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है, जो वहाँ के जो गवर्नर सत्यपाल मलिक, जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है, विंटर कैपिटल है जम्मू, एंड जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन ऐप टू डिटेक्ट फेक करेंसीज, ओके, फेक करेंसी नोट्स को डिटेक्ट करने के लिए आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, एक ऐप डेवलप की वहाँ के इंजीनियर्स ने, तो जिससे हम जो फेक करेंसी नोट्स होंगे उसे अपलोड किया जाएगा, देन वो खुद से वहाँ से बोलेगी कि ये इसके वेरिफिकेशन पूरे प्रोसेस से होंगे, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द नोट्स, देन उसे बता देगी कि ये नोट अगर फेक है तो या फिर असली है, ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, तो ये याद रखना। एंड आई होप आप सबको याद आया होगा आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपर के स्टूडेंट्स ने भी एक ऐसी डेवलप जो ऐप बनाई थी जिसका नाम था रोशनी, जो ब्लाइंड पीपल्स अगर उनके साथ भी कोई करेंसी के नोट्स के साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो वो उसे डिटेक्ट कर सकते थे, ठीक है, वो भी जरूर याद रखना। रोशनी ऐप बनाई थी आईआईटी रोपर, जो पंजाब की आईआईटी, ओके। एंड ये है जी आईआईटी खड़गपुर के, ये है जी वेस्ट बंगाल की, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बारे में जो कैपिटल कोलकाता, वहाँ के जो सीएम है वो हैं ममता बनर्जी, एंड वहाँ की जो गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हाल ही में, तो इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, आदित्य कुमार मिश्रा, ठीक है, तो ये याद रख लेना, आदित्य कुमार मिश्रा इसके न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू लिबराइज द वीजा पॉलिसी बाय बिजनेसमैन टूरिस्ट कैन स्टे इन इंडिया फॉर 90 डेज विदाउट वीजा। बेसिकली देखो, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आ सकते हैं टूरिस्ट होंगे, या फिर कुछ छोटे मोटे एग्जाम एजुकेशन पर्पज के लिए भी अगर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, 90 डेज तक हमारे इंडिया में रह सकते हैं विदाउट वीजा, ठीक है। तो कौन सी कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ जी, तो ये हुआ जी ऑप्शन नंबर ए मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स के बारे में कैपिटल माले, एंड जो करेंसी है मालदीवियन रूफिया, ओके। एंड जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोले, वो भी जरूर याद रखना, 2018 में ही अपॉइंट हुए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्पेस एजेंसीज ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर एलआरओ हैज ऑब्जर्व्ड वाटर मॉलिक्यूल्स मूविंग अराउंड द डे साइड ऑफ द मून, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व किए गए अराउंड द डे साइड ऑफ द मून, यानी कि द साइड विच इज फेसिंग द फ्रंट। तो ये किसने ऑब्जर्व किया जी, किस स्पेस एजेंसी का ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर था, तो ये था जी स्पेस एजेंसी ऑफ नासा, यानी कि स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस नासा इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद अभी हाल ही में आपको बताया था, कल ही बताया था, जो 2 वुमेन स्पेस वॉक करेंगी ऑन 29th मार्च 2019, वो भी अभी हाल ही में नासा ने ही डिक्लेयर किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन इज सिलेक्टेड एज अ बार्बी रोल मॉडल, ठीक है, बार्बी जो कंपनी है एक अमेरिकन कंपनी है, ऑन द ओकेजन ऑफ 60th एनिवर्सरी, यानी कि 60वीं एनिवर्सरी है, तो हमारे इंडिया ने एज ए बारबी रोल मॉडल इन्हें सेलेक्ट किया गया, ठीक है। तो इनका नाम आपको बताना है, इनकी पिक्चर आपके सामने है जी, ये है जी दीपा कर्माकर, ठीक है, बारबी कंपनी आप सबको पता ही होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द कोवेटेड गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड, ठीक है, बेसिकली ये अवार्ड दिया गया फॉर देयर प्रोडक्ट माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ओला राइड इंश्योरेंस, ठीक है। तो ओला राइड इंश्योरेंस जो भी देखो, जब ओला के अगर कस्टमर हो आप ओला पे राइड करते हो, तो आप उस पर राइड करते हो जितने भी टाइम के लिए, तो आप इंश्योर्ड भी हो जाते थे, ठीक है। तो फॉर देयर वर्क जो ये कंपनी बनी थी 2016 में ही बनी थी, एंड इस कंपनी का नाम एको जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो इस कंपनी ने ये अवार्ड
जीता, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना, एंड ये 2016 में यानी कि 2016 में ही कंपनी फाउंडेड हुई थी, एंड इसके जो चेयरमैन है वो है वरुण दुआ, ठीक है। तो वो भी आप जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एच आई वी ट्रीटमेंट सेंटर फॉर होलिस्टिक क्लिनिक फॉर जी एल बी टी कम्युनिटी इनॉग्रेटेड बाय हमसफर ट्रस्ट। तो ये कहाँ पे बनाया गया जी, ये बनाया गया जी मुंबई में, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए फॉर द जी एल बी टी कम्युनिटी। अब आप बोलेंगे जी एल बी टी कम्युनिटी क्या होता है, देखो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है, ठीक है, कम्युनिटी होती है। अब ये मुंबई में, अभी आपको आई होप सब किसी को याद होगा, ट्रांसजेंडर न्यूट्रल हॉस्टल बना था, ठीक है, तो वो भी मुंबई में ही बनाया गया था, ठीक है। अब जी एल बी टी की फुल फॉर्म अगर आप बोलेंगे, जी फॉर आ गया जी गे, एल फॉर आ गया जी लेस्बियन, बी फॉर आ गया बाइसेक्सुअल, एंड टी फॉर ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ये एक इनके लिए जो एक स्पेशल एक बनाया गया एक हॉस्पिटल ही होगा जिसमें ट्रीटमेंट वगैरह की जाएगी, तो ये मुंबई में बना, ओके। तो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। देन उसके बाद जो आपके लिए क्वेश्चंस थे कल के, सबसे पहले उनके आंसर्स, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, करेक्ट आंसर इज मदन मोहन मालवीय, ओके। रेड रूट डिजीज इज कॉज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी शुगर गेन। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द करेक्ट आंसर इज हर्ट्ज। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द करेक्ट आंसर इज 10th शेड्यूल, ठीक है। इसमें थर्ड है बट द करेक्ट आंसर हमारा जी 10th शेड्यूल है, ठीक है, ध्यान रखना, जो आपको पीडीएफ में करेक्ट ही मिलेगा। देन रेड डेटा बुक कंटेन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज, ओके। तो ये हो गए जी आपके जो कल के आंसर्स, एंड अब सबसे उसके बाद जो आपने आज आंसर्स करने, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सर्च भी करेंगे खुद, ठीक है, थोड़ा सा काम आप लोगों को भी करना है, बाई होम एंड वेयर द आजाद हिंद फौज वॉज फाउंडेड, ये बताएंगे आप लोग। द स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स विच टू लैंड मासेस, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, ये बताएंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, ये बताएंगे आप लोग। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, डोनेटर भी बता देना, ओके। तो ये आप पांच बताएंगे मुझे, एंड देखो आई होप सारी चीजें क्लियर है, एंड ये जो मटेरियल के बारे में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स ने परचेज किया, एंड काफ़ी अच्छा ये मटेरियल है। देखो अब आप सबने आई होप सबने अप्लाई कर दिया होगा, काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, अराउंड 1 लाख प्लस वैकेंसीज निकली हैं रेलवे में, ठीक है। आप जरूर फॉर्म फिल कीजिए एंड इस जॉब को जरूर हासिल कीजिए, एंड ये जो मटेरियल है इसका भी जरूर आप फायदा उठाइए, ठीक है। ये आप परचेज कर सकते हो जस्ट फॉर ओनली 35 रुपीज़, ठीक है, 35 रुपीज़ की ये आपको मटेरियल मिलेगा जिसमें आपको 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली रेलवे एग्जाम्स के लिए बनाए गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इसमें आपको, 20 मॉक टेस्ट भी हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये फर्स्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बेसिकली आप प्रैक्टिस ही करेंगे ना, ठीक है। आप प्रिपेयर तो करो तो, बट उसको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला, आप इसे ज़रूर परचेज करें, एंड इसके बाद भी जैसे ही देखो आप ये कर लो देन उसके बाद बाकी मटेरियल भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो देखो अभी फिलहाल अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर जल्दी से ले सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आपका पिंड कमेंट भी आपको मिलेगा जो वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड हिंदी में अगर आप कुछ अगर किसी को हिंदी में चाहिए हिंदी में भी मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकना। बट अगर आपको अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हो तो अभी आपको फिलहाल तो ये इंग्लिश फॉर्मेट में ही मिलेगा, इंग्लिश में होगा, ओके। तो जिसको चाहिए आप ले सकते हो, एंड किसी को पेमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे जरूर कमेंट करके बता दो, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट डे।